रामदास सरोवर नहाते साप उतरे पाप कमाते जपो रामदास सरोवर नहाते साप उतरे पाप कमाते सब कुशल खेम प्रभु थारे सब कुशल खेम प्रभु धारे सब कुशल खेम प्रभु धारे सही सलामत सब थोक उबारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे गुर का शब्द विचारे रामदास सरोवर नहाते साप उतरे पाप कमाते रामदास सरोवर नहाते साप उतरे पाप कमाते रामदास सरोवर साप उतरे पाप कमाते साध संग मल लाथी पार ब्रह्म पयो साथी रामदास सरोवर नाथे सब उतरे जी सब उतरे सब उतरे सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर इशनाना गुरपुरे गुरपुरे ने दाना अमृत सर सिफती दा कर लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर अमृत सर सिफती दा कर प्रभ हर मंदर सोहना प्रभ हर मंदर सोहना सोहना तिस मह मानक लाल रामदास रामदास
रामदास सरोवर नाते नानक नाम ते आया आद पुरख प्रभ पाया नानक नाम ते परख प्रभ पाया आद परख प्रभ पाया आद परख प्रभ पाया रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते करो कृपा रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप निर्मल होए कर इशनाना गोर पूरे कीने दाना निर्मल होए कर इशनाना जग बसनी नी 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 धनी द पम प ग म ग पम ग रे म मर नी निर ग रे निर नि द स आवो सिख सतगुरु के प्यारे ओ गावो सच्ची बाणी बाणी त गाव गुरु केरी बाणिया सिर बाणी रामदास रोवर नाते सब उतरे पाप कमाते आओ गुरु किस्ता जी नवाजी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत साहिब की कृपा सदका दीन दुनिया के मालक धन गुरु ग्रंथ साहब जी की अपार कृपा सदका संध्या के दीवाना की हाजरी की सतगुरां ने कृपा करके अपनी बाणी श्रवण करने का बड़ा सुभागा समा बख्शिश किया है। आओ गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत एक मन एक चित हो के साहिब दी बाणी दे नाल सुरत नू जोड़िए सतगुर दे सत्कार नू मुख रखदे होया सावधान होकर बैठिए रसना नू पवित्र करिए गज के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सोरठ राग दे विच पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव पातशाह ये बाणी उन्होंने मुखों उच्चारण की हुई है। सोरठ महला पंजवा घर तीजा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते पंचम पातशाह प्रमाणा करते हैं।
दीन दुनिया के मालक कहते जेड़े मनुख उस अकाल पुरख की रब्बी जोत भाव चौथे पातशाह धन गुरु रामदास के सरोवर विच ना साध संगत विच नाम अमृत रूपी इशनान करते हैं ना भाव रामदास महाराज की कृपा दे नाल नाम दा सरोवर नूं सतगुर पातशाह ने शब्दां दे विच परोया है। कहिंदे जिहड़ा नाम रूपी सरोवर दे विच डुबकी लाउंदा है फिर की हुंदा है पातशाह कहिंदे सब उतरे पाप कमाते कहिंदे उन्हां दे पिछले कीते हुए सारे पाप लै जांदे हन। गज के आखो सतनाम गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी प्रिंसीपल सतवीर सिंह लिखते हैं अपनी बुक दे विच सचखंड श्री दरबार साहिब दे बारे कहिंदे सचखंड श्री दरबार साहिब सोमिया दा सोमा है। गज के आखो सतनाम भाव सृष्टि के उपर संसार के उपर धरती के उपर जिथे जिथे अकाल पुरख का गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश बाणी पढ़ी जाती है बाणी सुनी जाती है वह सोमा कहाया जाता है भाव वह धरती पवित्र हो जाती है। पर सचखंड श्री दरबार साहिब नू एक अहम एक अलग रुतबा बख्शिश किया होया है। कहिंदे वह सोमिया का सोमा है ता करके उत्थे आके मनुख नू ये नहीं पता लगता भी वह इस धरती का वसनीक है जां किसी होर ग्रह का। गज के आखो सतनाम अलग अलग लेखाकार कविकार स्कॉलर इतिहास खोजकार जिन्ह जिन्ह ने भी दरबार साहब की उस्तत की है ना वो सारे लिखते हैं कहते साड़ी कलम छोटी पै जाती है पर दरबार साहब की उपमा नहीं कही जाती। गज के आखो सतना दरबार साहब अमृतसर की है अमृतसर सिफती का घर। हुण पातशाह ने लाहौर शहर बारे लिखिया सी कहिंदे लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर कहिंदे दिन चढ़ते सवा पहर नूं ना गऊआं कट कट कहिंदे ढेर ला दिंदे सी लाहौर शहर दे लोक। अज के आखो सतनाम ते फिर पातशाह ने कहा सी कहिंदे इत्थे कहर वापर रहे है। अज के आखो सतनाम ते फिर बाणी दे विच दर्ज कीता सलोक वारां ते वधीक दे विच कहिंदे लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर लाहौर शहर बारे ये लिखिया पातशाह ते अमृतसर बारे लिखिया होया है अमृतसर सिफती दा घर। गज के आखो सतनाम ते गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत इसे घर दे नालों तोड़न लई गुरुआं वेले तो लैके हुकूमत ने बड़ा विरोध किया है सचखंड श्री दरबार साहब नाल बड़े हमले हुए किन्ने वार सरोवर नूं पूरिया किन्ने वार सिंघां दे उपर टैक्स बंदी कीती किन्ने वार संगत नूं अस्थानां दे उपर जाण लई पाबंदियां लगा दित्तियां सन हुकूमतां ने। पर हर वार दी तरह कौम नूं पंथ नूं सचखंड श्री दरबार साहब अपनी जान तो प्यारा है। गज के आखो सतनाम चाहे किड्डी वड्डी मर्जी औंकड़ आ जावे मुश्किल आ जावे पर सचखंड श्री दरबार साहब साडा धुरा है। सचखंड श्री दरबार साहब जिस तरह मुसलमान नूं मक्के तो परां उजाड़ दिखदा है ना कहिंदे जिस तरह मुसलमान नूं मक्के तो परां उजाड़ दिखदा है उवें सिखां नूं सचखंड श्री दरबार साहिब तो परां भी उजाड़ है नरक है। गज के आखो सतनाम हुण इसे सचखंड श्री दरबार साहिब पवित्र अस्थान की पवित्रता भंग करन लई हुकूमत ने एक बंदा अपनी सरकार दे विच मिलाया उहदा नाम की सी मस्सा रंगड़ा। हुण मस्से रंगड़ दा असली नाम मीर मसाल उलदीन सी वैसे राजपूत वंश दे विचों सी
पर इन्हें मुसलमान धर्म धारण कर लिया सी, इस करके अपने नाम पिछे ही मुसलम गोत्र कहाउंदा सी, है राजपूत वंश दे विचों सी, जाति इहदी रंगड़ सी, इहदे चेहरे ते मौके हुंदे सी मस्से जिहनूं आपां कह दिंदे आ, उस करके इहदा नाम मस्सा रंगड़ पै गया सी। हुण मस्सा रंगड़ माया दे लालच पिछे कुछ भी करन लई तैयार सी, इहनूं सिर्फ पैसा चाहीदा हुंदा सी, शबाब चाहीदा हुंदा सी, शराब चाहीदी हुंदी सी, इह आशप्रस्त इंसान सी, हर वक्त पैसे दी लोर दे विच अन्ना होण वाला इंसान सी मस्सा रंगड़। अमृतसर तो 8 किलोमीटर दूर दक्षण वल मंडियाला पिंड है, एक मंडियाला, एक तो जंडियाला पिंड है, तो एक मंडियाला पिंड है, ये उत्थों का रहने वाला सी, तो उत्थे ही इहदा जन्म होया सी मस्से रंगड़ दा। ते लोग इहनूं असली नाम नाल घट पुकारदे सी, इहदे कम्मां कारां करके, इहदी सकल सूरत करके इहनूं मस्सा रंगड़ कहिंदे सन। ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਚਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਗਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਗਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਗਿਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਤਵਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹਥੌੜੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜ ਗਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੰਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ
फौजदारां नूं बुला के अपने अहलकारां नूं वजीरां नूं मंत्रियां संतरियां नूं स्नेहे भेज दिते कि हर हालत विच सिखां दा मैनूं खुरा खोज मिटना चाहीदा। इस थां तों गज गया को सतनाम। इन्हां दा कोई बच्चा ना रहे, इन्हां दी कोई माँ बीबी भैण कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इन्हां दू भी इन्हां दा सफाया करना है। बस इत्थों तक खुल दे दित्ती। जकरिया खान ने तहमस मसकीन लिखदा है, मुसलमान लिखा रही है, वह कहिंदा सिखां दे सिरां दे मुल वधा दित्ते। जकरिया खान ने जिहड़ी रकम पहला 40 रुपए सिर दी सी वह 80 रुपए कर दित्ती। गज के आखो सतनाम। पूरी खुल दे दित्ती भी जिन्ना हो सके उन्ना जुल्म करो। इस तो बाद कहिंदा जिहड़ा तुसीं माल लुट्टोगे वह सरकार नूं नहीं देना, वह भी तुहाडा है। गज के आखो सतनाम। हर एक चीज़ का मुल वधा दिता। और गुरु सवारी साहब संगत जी, सिखां नूं मारना उसने अपने कानून दे विच शामिल कर लिया। ये एक लाइन बन गई उहदे विच भी, इस राज दे विच सिख बिल्कुल नहीं रहने चाहिए जकरिया खान दे राज दे विच। क्योंकि नादर शाह की कही हुई गल, अबदाली की गल, वो थौड़े वाग सिर दे विच वज गई सी भी मैनू सिखां दे विचों बादशाही दी बू आउंदी है, किते ना किते ये हिंदुस्तान दे राजे बन जाणगे। गज के आखो सतनाम। क्योंकि डर ना दी भै ना दी इन्हां दे अंदर रत्ता भर भी जीरो फीसदी भी इन्हां दे अंदर डर नहीं पै ने। ये सिर्फ अपनी अल्लाह दी टेक दे विच रहिंदे हन। हुण प्राचीन पंथ प्रकाश दे विच ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ये गल दे गवाही भरते हैं। कहिंदे जो सिंघन को दसै ग्राम तां को देवे बहुत इनाम, सिंघन खून माफ हम कीने। कहिंदे सिंघां दे खून माफ कर दिते जुलमियां नूं। गज के आखो सतनाम। सिंघन खून माफ हम कीने, जित लभै तित मारो जीने। कहिंदे जिथे लभदे ने उत्थे मार दो। कहिंदे गज के आखो सतनाम। प्राचीन पंथ प्रकाश दे विच ज्ञानी ज्ञान सिंह 36वीं शाख दे विच्चों निर्मले डेरियां दे विच्चों बरनाले विखे गुरद्वारा बाबा गंधर सिंह दे विद्यार्थी हन। 18वीं सदी दे विच्चों उत्थों पढ़े हन। उन्होंने इतिहास बाखूबी लिखिया है। ये सारी जकरिया खान की कली कली गल उन्होंने अपने बचना दे विच्च परोई है, अपने कलमां दे विच्चों परोई है। प्राचीन पंथ प्रकाश दे विच्च ये लिखिया होया है। कहिंदे सिंघन खून माफ हम कीने, जित लभै तित मारो जीने, लूट कूट उस माफ हम करी। कहिंदे चाहे लुट लो चाहे कुट लो तुहानू कोई सजा नहीं दिती जाएगी, तुहानू सब कुछ माफ है, पर मैनू मेरे राज दे विच सिख नहीं चाहिए। गज के आखो सतनाम। फिर पातशाह कहिंदे इन्ना ज्यादा जहर उहदे मन दे विच ते कहर इन्ना ज़्यादा वरता दिता, हमरी लिखत ए जानू खरी। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते ने कहिंदे जिहड़ा मैं लिखिया ना उहनू खरा करके जान लिओ, उहनू सच करके जान लिओ। कहिंदे हमरी लिखत ए जानू खरी, कहिंदे उहनू खरी करके जान लिओ। अमृत सरोवर नूं पूरन दा फरमान जारी कर दिता। मिसाल उलदीन भाव मसे रंगण ने भी भाव यह जिहड़ा सरोवर है जितों सिख इशनान करके इस स्थान तो बाणी सुन के अपने आप नूं शक्तिशाली बनाउंदे ने भी इहनूं पूर देवो। ये हुक्म आ गया सी मसे रंगण जदों कोतवाल सी। गज के आखो सतनाम। भी सरोवर नूं मिट्टी पा के पूर देवो, भी कहानियों खत्म कर देवो, भी इत्थों शक्ति लैंदे ने। इस करके इहनूं सोमियां दा सोमा कहा गया है। गज के आखो सतनाम। हुणे जदों प्रमाण जारी कीता ते सिखां पंथ कौम भाव जिथे जिथे सिख वसदे हन पता लग्या भी मसे रंगण ने जिथे कीर्तन हुंदा है सचखंड श्री दरबार साहिब दे विच उत्थे बैठ के कंजरियां नचाउणियां शुरू कर दित्तियां। गज के आखो सतनाम। क्योंकि जकरिया खान ने पूरी खुल दित्ती हुई सी, समय दा अफसर भी सी, कोतवाल सी,
और सारी फौज सारी हुकूमत सारा ताम झाम सिखां दा खुरा खुज खोज मिटाउण नूं चलिया होया सी ते लुके छिपे किते ना किते आ के सिख अपने श्री दरबार साहब नूं देख जांदे दूरों दूरों ही दर्शन करके मत्था टेक के चल जांदे सन गज के आखो सतनाम हुण जदों रज के बेअदबी करन लग पिया मसा रंगड़ भाव इन्हें कोई कसर नहीं छड़ी दरबार साहब के अंदर शराब कंजरिया नून चौना वेसवावां दे नाच कराने भाव वह असी इत्थे लिख भी नहीं सकते ते बोल भी नहीं सकते भी इन्हें की कुछ नहीं किया दरबार साहब के अंदर गज के आखो सतनाम हुण इस करके प्रिंसीपल सतवीर सिंह लिखते हैं गुरद्वारे सिक्खी का सोमा हैं भाव जिहड़े सारे सृष्टि के गुरद्वारे हैं वह सिक्खी का सोमा हैं तो जिहड़ा दरबार साहब है वह सारे सोमिया का सोमा है गज के आखो सतनाम हुण वार वार दुश्मन सचखंड श्री दरबार साहब से अटैक क्यों करता यह समझना पेगा भी क्यों करता क्योंकि साडा धुरा है उत्थों सिखां नूं अमृत मिलता है अमृत रूपी शक्ति मिलती है इस करके तो पातशाह कहिंदे आ अमृत सर सिफती का घर सिफती का घर वी थोड़ी कहा गया किसी पाक पवित्र परवदगार दीन दुनिया के मालक धन गुरु ग्रंथ साहब के विच इत्थे पक्की मोहर लगाई हुई है प्रभ हर मंदिर सोहना तिस मेहमानक लाल हुण गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी गुरु साहिबान दे वेलियां तों इस सचखंड श्री दरबार साहब के सोमे नूं बंद कराउण दीआं बेउंतां चलदियां आ रहियां ने जदों तों तीजे पातशाह चौथे पातशाह सचखंड श्री दरबार साहब के अंदर उसारी करवाउंदे सन उदों ते ही दुश्मनी पै गई सी गज के आखो सतनाम सुलही खान सुलभी खान बीरबल ते फिर जहांगीर इन्होंने भी यतन किए जकरिया खान ने सोमे नूं बंद करते ठाण लई उन्हें कई हुक्म चाढ़े भाई रतन सिंह भंगू उन्होंने बड़ी महान पुस्तक लिखी है वह भाई महताब सिंह जी के पोतरे सन भाई महताब सिंह जिन्होंने मस्से रंगड़ का सिर वढ़िया सी गज के आखो सतनाम भाई रतन सिंह भंगू पंथ के बड़े वड्डे इतिहासकार खोजकार होए ने इन्होंने पंथ नूं बड़िया सोहनिया पुस्तकां ते बड़े सोहने ग्रंथ दिते हन गज के आखो सतनाम भाई रतन सिंह भंगूए लिखते हैं कहिंदे जकरिया खान ने हुक्म चाढ़ दिता भी दरबार साहब के सरोवर नूं पूर दिता जाए ये दिखना नहीं चाहिदा दरबार साहब भी कोई इत्थे दरबार साहब भी हुंदा सी कोई इत्थे सरोवर भी हुंदा सी कोई इत्थे ऐसा स्थान हुंदा सी जिहनूं देख के सिख अपने आप नूं बहुत बड़ा अमृत का सोमा मनते सन भी इत्थे मैनू कुछ नहीं दिखना चाहीदा इस सरोवर नूं पूर दिता जाए अते सिखां नूं लभ लभ हर पासे जांच पड़ताल करके शहीद किया जाए इस बेअदबी की खबर भाई बुलाका सिंह नां दे एक सिंह ने जयपुर पहुँच के जथेदार बाबा बुढ़ा सिंह जी नूं दसी भी पातशाहो जिहड़े स्थान ते धन गुरु रामदास महाराज साहब ने उसारी करवाई है उस स्थान की रज के बेअदबी हो रही है गज के आखो सतनाम ते बाबा बुढ़ा सिंह जिहड़े निहंग सिंह सन वह भाई बुलाका सिंह दे गुस्से नाल पिछे पै गए कहिंदे इत्थों देखिया किवें गया भी उस स्थान की बेअदबी हो गई इत्थों झटकाया कोई क्यों नहीं गया कहिंदे पातशाहो जे मैं उत्थे रौला पाउंदा ते दुश्मन ने मैनू मार देना सी खबर तां पहुंचाउणी सी तुहाडे कोल ना मैं भी रज के बेअदबी हो रही है दुश्मन ने सरोवर नूं पूरन दा हुक्म भी दे दिता ते हुण आप जी कोई मता पकाओ सचखंड श्री दरबार साहब की पवित्रता कायम कर सकी गज के आखो सतनाम ते भाई बुलाका सिंह दीआं अखां भर आईआं जिगरा तकड़ा करके सारा हाल हरिमंदर साहब का सुनाया अमृतसर शहर का सुनाया कि देखता है कहिंदा मस्सा रंगड़ पलंग उपर बैठ के जिथे अज महाराज का प्रकाश है सचखंड श्री दरबार साहब देखो दुश्मन का किड्डा वड्डा हीया सी
दुश्मन ने की कुछ नहीं करिया उस स्थान पर। मस्सा रंगड़ जिथे प्रकाश है उत्थे अपना पलंग रखता हुंदा सी गज के आखो सतनाम। पलंग दे उपर बैठ के जुत्तियां हुक्कियां समेत पूरी मजलिस लगा के पूरी महफल लगा के कंजरी दा नाच देखता हुंदा सी। जिहड़े कम नहीं करने सी ओह भी सचखंड श्री दरबार साहिब दे अंदर करदा सी गज के आखो सतनाम। इन्नी गल सुनदे सार भाई महताब सिंह भंगू जिहड़े रतन सिंह भंगू दे पिता जी ने जिन्हां ने सारा इतिहासकार खोजकार लिखिया है। भाई महताब सिंह कौन सन जिन्हां ने मस्से रंगड़ दा सिर वढ के लै गए ते गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी बाबा बुढ़ा सिंह जी ने तलवार सभा दे विच रख दित्ती अते आख्या कहिंदे है कोई ऐसा सूरमा जिहड़ा मस्सा रंगड़ दा सिर वढ के लैके आवेगा जी के आखो सतनाम। मस्से रंगड़ दा सिर वढ के लियावे इन्ना सुन के भाई महताब सिंह मीरां कोटियां भाई सुखा सिंह माड़ी कंबोके वाले दोवें सिंह उठ खड़े तलवारां चुक के अकाल अकाल दे जकारे गजाए। कहिंदे हन कि इह अणख नूं वंगार है ते साडा जिउणा धरिग है भी साडे अस्थान दे उपर इहो जिहा दुखी दा बंदा कंजरियां नचाउंदा होवे ते साडा जिउणा धरिग है गज के आखो सतनाम। और दोवें सिंह शस्त्रां नाल लैस हो के अरदासा सोध के फतेह बुला के पापियां नूं सोधण वल चाले पा दिते गज के आखो सतनाम। तरन तारण साहिब पहुँच गए उन्हां ने एक ब्यौंत बनाई अपने मूँह कपड़े नाल ढक ले इंज लगे कहिंदे जिवें कोई किसी पिंड दे नंबरदार टैक्स देण आए होण गज के आखो सतनाम। क्योंकि चप्पे चप्पे दे उपर हुकूमत ने पहरा लाया होया सी किते भी कोई नीला दस्तारा दिख जांदा किते भी कोई सिंह दिख जांदा नाल दी नाल उहनूं पार बुला दिंदे सन गज के आखो सतनाम। हुण दोवां सिंघां ने अपना भेस बदलाया बोरियां दे विच ठीकरियां भरियां भाव जिवें माया हुंदी है मोहरां हुंदियां ने ते दोवां ने पठाणी बस्त्रां दे विच हो गए दोवें गज के आखो सतनाम। और गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी कपड़े ढके हुए मूँह दे उपर वाहोदाही घोड़े भजाउंदे हुए हरिमंदर साहब की परिक्रमा दे विच आ गए। नतमस्तक कीता उत्थे आ के हरिमंदर साहब की परिक्रमा दे विच गुरु रामदास साहब के चरणों के अरदास की हे सच्चे पातशाह नमाणियां दी लाज रख लवी हुण तेरे कोल असीं आ गए हाँ गज के आखो सतनाम। हिम्मत बख्शनी धन गुरु रामदास महाराज साहब इत्थे पापी मस्से रंगड़ दा सिर कट के वापस जा सकी खाली हथ ना जाइए असीं गज के आखो सतनाम। अते भाई रतन सिंह भंगू लिखते हैं जिन्हां दे पिता जी ने सिर वड्डिया सी उन्हां दे बेटे लिखते हैं कृपा करो कोई सतगुरु बात बनाओ जाए मस्से को सिर कट्टो न रस्ते हुए अटकाओ। कहिंदे कोई कृपा कर दो इहो जिहा राह दे देवो किते कोई राह दे विच अटकण ना आ जावे गज के आखो सतनाम। घोड़ियां तो उतर के जिथे लाची बेरी है वो रस्ते होंदे हुए उत्थे लाची बेरी दे नाल अपने घोड़े बन दिते दोवां ने भाई सुखा सिंह ते भाई महताब सिंह जी ने। और दर्शनी ड्यूटी कोल जा के दरबार साहिब दे विच जा दाखल होए जिथे मस्सा रंगड़ बैठा हुंदा सी अपने पलंग दे उपर दारू दे नाल रज्जिया होया हुक्का उहदे कोल पिया है। और मस्से रंगड़ नूं कहा कहिंदे जी असीं मामला लैके आए हां ये दोवें बोरियां दे विच दोवें पिंडां दा मामला है तुसीं प्रवान करो। और गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी जदों उन्हां ने कहा ना भी इत्थे अगे रख देवो दोवें बोरियां ते एक सिंह ने बोरियां पैर दे नाल जदों गाहां करियां ओह पलंग दे नीचे चलीआं गईआं गज के आखो सतनाम। जदों पलंग दे नीचे गईआं मस्सा रंगड़ सिर थले रख के माया चक्कण लग्गिया ते नाल दी नाल जकारे गजा के उहदा सिर वढ दित्ता गज के आखो सतनाम। भाई सुखा सिंह ते भाई महताब सिंह ने सिर इउं वढिआ कहिंदे जिवें वेल नालों कद्दू तोड़ीदा हुंदा पता ही नहीं लग्गिआ है वी सिर इक्को दम उहनां दे हथ विच आ गिआ। और गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी कहिंदे वेल नालों खिच के जिवें कद्दू उतार लईदा ना भाई रतन सिंह भंगू इस तरह लिखदे ने कहिंदे चुक कर जब मस्से पाई थैली दिस तब ही मताब
सिंह वक्त विचारियो खैंच तलवार मार मसेका तार सरडारियो घुम्यार जिमें बदना उतारियो कहिंदे जिमें चक दे उपरो घुम्यार भांडा तारदा हुंदा है ऐं सर ला के रख दिता गज के आखो सतनाम और गुरु गुरु सवारी साध संगत जी नेजे ते सिर टंग के दोवें सिंह तूफान वांग पते नहीं चले किधर गए कहिंदे आओ गए गज के आखो सतनाम बैरिया ने पिछा किया पर कितने पिछा हो जिदे उपर धन गुरु रामदास साहब जी की कृपा होवे अरदासा सोध्या होवे ओह भाई सुखा सिंह महताब सिंह सिर लैके उस स्थान पर चले जाते हैं जिथों उन्होंने भेजा हुंदा है भाव जयपुर भाई बुढ़ा सिंह जी कोल गज के आखो सतनाम जथेदार कोल जाके उन्होंने पैरों पर पापी का कटिया हुआ सिर रख देंगे और उधरों जकरिया खान को पता लग जाता है भी मस्से रंगर नू पार बुला दिता तो जकरिया खान भी पागल हो जाता है वो कहिंदा मैनू ये दोवें बंदे जिंदा जां मुरदा चाहीदे ने गज के आखो सतनाम हर भगत जंडियाले वाले ने भाई महताब सिंह नू मीराकोट के घर के विच जा के घेरा पा लिया हुण उत्थे भाई महताब सिंह तां रहिंदे नहीं सी परिवार रहिंदा सी इन्हां दा एक बेटा रहिंदा सी जिहड़ा बाद विच पंथ दा बहुत वड्डा लिखारी होया और गुरु गुरु सवारी साध संगत जदों घेरा पिया कई सिंघां नूं शहीद कीता उत्थे ते भाई महताब सिंह दा बच्चा भी जख्मी हो गया जख्मी हो के बेहोश हो के गिर गया गज के आखो सतनाम ते पापियों नूं इउं लग्गिया वी इह वी चढ़ाई कर गया गज के आखो सतनाम अते बाद विच जिहड़े सिंघ जख्मी होए सन जां होर जथा सी उह बच्चे नूं लै के अते भाई राय सिंह जिहड़े जख्मी हो गए सन ये सारे उस स्थान पर पहुँच गए जिथे भाई सुखा सिंह ते भाई महताब सिंह जयपुर विखे रहिंदे सन गज के आखो सतनाम और बच्चे का इलाज होया ये बच्चा रतन सिंह भंगू का पिता राय सिंह सी भाई महताब सिंह जी की शहीदी बारे ज्ञानी ज्ञान सिंह तवारीख गुरु खालसा दे विच लिखते हैं कि भाई महताब सिंह मीरा कोटिया जिसने मस्से रंगण नूं मारिया सी जंडियाले वाले चुगल लोगों ने फड़ा के उन्हां नूं मरवाया सी गज के आखो सतनाम अमृतसर को जंडियाला पिंड है उत्थों दे कुछ चुगल लोग सन उन्होंने भाई साहब की टोटी करके फड़ाया गज के आखो सतनाम भाई महताब सिंह और जंडियाले वाले चुगलों ने फड़ाया कहिंदे जद नाजम के सामने आया तो सिंह ने गज के फतेह बुलाई जिस ते हाकम ने बहुत बुरा मनिया इन्ना बुरा मनिया भाई महताब सिंह नू सूली ते चाड़ दिता ते गज के आखो सतनाम ते नाल दी नाल भाई महताब सिंह जी शहीद हो गए गज के आखो सतनाम 1802 दे विच भाई महताब सिंह शहीद हुंदे ने भाई कान सिंह नाभा लिखते हैं और चरखड़ी ते चाड़ के शहीद किया जाता है ते भाई सुखा सिंह माड़ी कंबोके वाले जिहड़े इन्हां दे नाल दे साथी सन उन्होंने जालम हुकूमत नाल लड़दे हुए 1810 दे विच दुरानियां दी फौज नाल मुकाबला करदे रावी किनारे दे पास लाहौर कोल शहीद होए हन गज के आखो सतनाम दोवें सिंघां ने दीन दुनिया दे मालक धन गुरु रामदास साहब जी दे पवित्र स्थान सचखंड श्री दरबार साहब जी द्वारा पवित्रता कायम कीती अते जिहड़े पापी ने उस थान ते पाप किए सन उन्हों नरकां दी पुरी पहुँचाया गज के आखो सतनाम अते अगों तो एक उपदेश दिता हुण भाई नंद लाल जी लिखते ने गुर की निंदा सुने ना कान कहिंदे जिहड़ा मनुख गुरु की निंदा कन्ना नाल सुनदा ना वह बंदा नहीं है गज के आखो सतनाम भेट करो ते संग कृपान इहो जिहा जेरा होवे भी अपने पातशाह अपने गुरु की बेअदबी देखण लई जां तां उस तों पहलां साडी मौत आ जावे ते जां फिर इहो जिहा कोई कांड असीं होण ना दईए गज के आखो सतनाम क्योंकि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ये दे पातशाह ते सानू पातशाह ने दे नाल लड़ लिया है
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਦਿ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਨ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ, ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ।